अच्छा पकाने लग गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मरियम भी बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं और मरियम देखे साथ खड़े, मैं माशाल्लाह से पाकिस्तान से आ गई हूँ और अब आज तकरीबन 20 22 23 दिन के बाद हम रेसिपी बना रहे हैं और आज हम बनाएंगे मेथी और आलू। तो ये है हमारे पास 3 गड्डियाँ मेथी की हैं जिसको धोकर अच्छी तरह, अच्छा मेथी को हमेशा ना थोड़ी देर भिगो देना चाहिए, किसी बड़े बर्तन में भिगो दें तो इतनी नीचे नीचे सारी मिट्टी हो जाती है, फिर उसको ऊपर ऊपर से उठाएं और फिर 2-3 पानी से धो के तो बिल्कुल किरकिर नहीं होती। और उसको फिर थोड़ा थोड़ा सा काट लिया है मैंने ना, 3 गड्डियाँ, और ये 3 छोटे साइज़ के आलू हैं और ये सब मरियम ने किया है और आज मरियम ही पकाई ये आलू हैं। और ये एक वो थी पूरी लहसुन की, हमने बारीक बारीक काटी है, ये भी मरियम ने काटी है मैंने नहीं। ये 1.5 चम्मच कुटी मिर्च ली है, ये 10 तकरीबन साबित मिर्च ली है और ये नमक लिया है और तेल हम अभी इसमें डालेंगे। चले पकाओ, चले भाई मरियम आओ और मेथी आलू पकाओ। अब माशाल्लाह से मरियम भी अच्छा पकाने लग गई है और अब मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ और मरियम पकाएगी। चलो मरियम शुरू हो जाओ। अब इसमें मरियम ने तेल डाला है, तकरीबन आधी प्याली तेल डालेंगे और बस बस मरियम सही है। अब इस ये थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर हम अभी नहीं डालो, थोड़ा गर्म होने दो। चलो डाल दो, मुझे वीडियो बनाने की अच्छी नहीं आती, मैं कभी उंगली आ जाती है उसके अंदर, कभी कुछ आ जाता है, लेकिन ये कि हाँ सही बन रही है। देखो अब इसको हल्के हाथ कर दो मुझे, है ना, और अब इसके अंदर जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा ना फिर हम इसके अंदर साबित लाल मिर्च डालेंगे, वो भी थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी हो जाएंगी तो फिर कैसे। डालो, हाँ थोड़ा इसको अच्छा सा ब्राउन कर दो तो फिर मेथी डाल देना, चूल्हा बंद कर दो। अभी से लहसुन की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चले अब मेथी डालो। ज्यादा ही अच्छी आ रही है। चलो भाई अब मरियम आलू डाल रही है। आलू डाल के मरियम सबको इसको मिलाओ अच्छी तरह, मेथी और आलू सब मिल जाना चाहिए। कितनी मज़े की खुशबू आ रही है अभी से, दिल चाह रहा मैं खा लूँ अभी। माशाल्लाह से मेथी तो ऐसी चीज़ है ना जो मेरे ख्याल में सबको ही पसंद होगी। बाजी भी इतना पकाती थी, हम दोनों लेकर आते थे बुध बाजार से और फिर पकाते थे दोनों, और भी चीज़ पकती थी लेकिन ये ज़रूर होती थी खाने में।
मैं आलू यहाँ पे क्योंकि देर से गलते हैं, वैसे वहाँ तो बिल्कुल फौरन गल जाते थे, लेकिन ये कि इसमें हमको एक या दो सीटी लगानी पड़ेंगी, उसके बाद ये आलू गलेंगे, फिर हम बताते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। मरियम ने कैसे बनाई आलू मछली, इसमें लगाई थी हमने 3 सीटियाँ और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। चले भाई, हमारे आलू मेथी मज़ेदार से तैयार हो गए हैं और आज ही मरियम ने पकाई है और माशाल्लाह से खाएंगे तो फिर बताएंगे मरियम कैसा बना। सही, चखा तो है मैंने अभी थोड़ा सा, बहुत मज़े का बना है। चले भाई, आज मरियम ने पकाई है मेथी आलू और मैं पका रही हूँ माश की दाल ढाबा स्टाइल, क्योंकि वो थोड़ी हो जाती है ना, तो मैंने कहा दो चीज़ें पका लेते हैं तो सही हो जाएगा रात में। तो ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम दाल लेके उसको उबाल लिया है और बस एक कनी मैंने रख दी है इसमें, एक दो कनी देखें इस तरह। ये उबली हुई दाल है और एक प्याज है बारीक कटी हुई, एक टमाटर है और ये थोड़ी सी साबित लाल मिर्च ली मैंने 5 अदद, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग हैं और ये थोड़ा सा ज़ीरा है ये भगाने के लिए, ये नमक है हल्के जायका और ये मसाले हैं उसके लिए। ये पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और ये 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ये थोड़ी सी 2 पिंच हल्दी और ये कुटा भुना ज़ीरा, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। चले पकाते हैं, हम डालेंगे तेल। अच्छा, ये ढाबा स्टाइल जो माशी दाल बनती है ना, इसमें तेल घी जो भी आप डालें बड़े ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो मैं तकरीबन आधी प्याली इसमें तेल डालूंगी। ये देखें ना, आधी प्याली तेल डाल दिया, और क्योंकि आमतौर पर ये चीज़ जो होती है घी में बनती है, तो मैं पाकिस्तान से सभी घी लेकर आया, तो ये मैं थोड़ा सा इसमें असली घी भी डालूंगी। यहाँ भी मिलता है लेकिन पाकिस्तान के जो घी है असली, उसकी बात ही कुछ और है। ये तकरीबन 3 चम्मच में इसमें असली घी के डालूँगी। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे इसके अंदर, प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें एक ये जो आपको बताई थी काली मिर्ची लाल मिर्ची ये सब इसमें डाल के थोड़ी देर हम भूनेंगे, और इसके साथ ही हम ये लहसुन अदरक, उस वक्त बताना भूल गई थी, लहसुन अदरक इसके अंदर डाल के लहसुन अदरक के साथ थोड़ा भूनेंगे। ये हरी मिर्चें 2 मैंने बारीक काटी थी, ये भी डाल देती हूँ इसमें। और इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे लहसुन अदरक, क्योंकि इसमें अदरक की महक अच्छी लगती है, एकदम मसाला अभी नहीं भूनेंगे। अच्छा, ये करके अब हम जो टमाटर हमने पीस के रखे थे ये डाल देते हैं इसके अंदर, इसे चॉप किए थे ये। इसके साथ ये सारे मसाले जो मैंने बताए थे आपको ये सब डाल देते हैं और इसको अब थोड़ी देर हम भूनेंगे मसाले के साथ। अच्छा, इतनी अच्छी आ रही है, इतना खूबसूरत लग रहे हैं। ये ज़रा सा थोड़ी देर इसको भूलेंगे, उसके बाद फिर हम इसे 1 चम्मच इसको पानी का डाला है मैंने 1 टेबल इसको, और इसको थोड़ी देर और भूलेंगे। उसमें ये उबली की जो दाल है ये डाल देते,
इस दाल में अच्छा बस थोड़ी सी कसर है, यानी कि एक कनी होगी, जैसे चावलों में एक कनी छोड़ते हैं ना, हमने इस दाल में भी छोड़ी। ये दाल ऐसी होती है माश की, इसको लोग उड़द की दाल भी कहते हैं, ये हर दिल अजीज होती है, हर कोई इसको शौक से खाता है। हमारे घर में माशाल्लाह सब लोग इसको शौक से खा लेते हैं। लेकिन ये क्या, और सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, आज तो यहाँ बहुत सर्दी है। कितना है मेरे ख्याल 12 हो रहा है, 10 हो रहा है, 12 हो रहा है, हाँ, और रात तक तो और 10 हो जाता है, 8 हो जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। मैं एक प्यारी इसमें पानी डालूंगी, दम पे रख देंगे ना, ताकि जो कसर दाल में थी वो पूरी हो जाएगी। थोड़ी कम आंच कर देती हूँ, बस हल्के आंच से चलाना, पानी ठीक लग रहा है। ये हमारी ढाबा स्टाइल माश दाल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक, थोड़ा डालेंगे हरा धनिया, इसमें हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। आलू मेथी और माश दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर हमें बताइएगा कैसी बनी। इस व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।